बसमिल सेकेंड ईयर के ट्वेंटी एट लेक्चर में आज हमने ग्रुप थर्ड है फोर्थ है एलिमेंट्स को स्टडी करना है चैप्टर नंबर थ्री को शुरू करेंगे इन लास्ट चैप्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन तक हमने स्टडी किया एक्सरसाइज भी सेम है जो कुछ हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लेने उसमें Uh, कोई डिफरेंट नहीं है जिस तरह हमने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े तो उसमें नोमन क्लेचर डिफरेंटली इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको हमने सीख लिया लेकिन सेकेंड uh, चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो वही थेरी है जो हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर थ्री में ग्रुप थर्ड ए और फोर्थ एलिमेंट्स पहले थर्ड ए एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं ये बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं बोरॉन एलिमिनियम गैलियम इंडियम और थेलीम ये इसके मेंबर हैं तीसरे ग्रुप के थर्ड ए ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन देखे तो बोरॉन का टॉपिक नंबर फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू पी वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फुरेशन मच मोर इजी वन एस टू टू एस टू टू पी वन फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर अकम्पलिश अगर हम इसको एक और तरह देखें तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वन एस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इज रिगार्डेड विद हीम तो यहाँ पर मैंने हीम लिखा साथ में टू एस टू और टू पी वन लिख दिया ये लास्ट जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टडी किया तो ऑर्गन जीनॉन रेडॉन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे पुट करना है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आउटर थ्री एस टू थ्री पी वन साथ में नियॉन दस और दो बारह और एक तेरह नियॉनिक नंबर टेन तो दस इलेक्ट्रॉनों की कॉन्फिग्रेशन नियॉन वाली अगले जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो थ्री एस टू थ्री पी वन गेलियम थर्टी वन अटोमिक नंबर ऑर्कॉन एटीन इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जस्ट लाइक और गॉन नेक्स्ट फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी वन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है थ्री डी को पहले भी लिखने कुछ नहीं है ये लिखा सिर्फ इसलिए जाता है कि एन प्लस एल रूल में हम कहते हैं कि जो फिलिंग है वो फोर पी से पहले थ्री डी में होनी है एन प्लस एल रूल फर्स्ट ईयर में स्टडी करके आए लेकिन अगर मैं इसको ऐसा भी लिख लूँ तो ये कोई गलत नहीं है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी वन कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं आप कर, कर सकते इसमें ये सेम है इनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनर डी इलेक्ट्रॉन्स ये आउटर एस इलेक्ट्रॉन है या आउटर पी इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर इनर डी इलेक्ट्रॉन थ्री डी इनर इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टॉन की तरफ आए फिर वही बात यहाँ पे थ्री डी टेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर डी टेन बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम है इसे कहते हैं एन एस टू एन पी वन एन एस टू एन पी वन यहाँ पे टू एस टू टू पी वन थ्री एस टू थ्री पी वन फोर एस टू फोर पी वन फाइव एस टू फाइव पी वन तो थ्री डी तो इंट्रोड्यूस होना ही है फोर पी या फाइव पी से पहले साथ में थेलियम की तरफ आते हैं तो जीनॉन हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन टिल टू द थेलियम द इंट्रोडक्शन ऑफ जीनॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जस्ट लाइक द जीनॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जीनॉन जैसे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम है आगे सिक्स एस टू सिक्स पी वन यहां पे थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आता है कि यहां पे थ्री डी था यहां पे फोर डी था यहां पे फाइव डी के साथ साथ फोर एफ ने भी फिल होना है एन प्लस एल रूल के मुताबिक बाकी चीजें सेम है यहां पे फोर एफ है फिर फाइव डी आना है ये डिफ्रेंसिएशन आपने सीख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आपने जहन में रखनी है इनको कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स ये भी इनर इलेक्ट्रॉन्स ये भी इनर इलेक्ट्रॉन ये भी इनर इलेक्ट्रॉन ये, ये आउटर है लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि एन प्लस एल रूल के मुताबिक तरतीब यही बनेगी लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिख दें फोर एफ फोर्टीन फाइव डी टेन सिक्स एस टू सिक्स पी वन नॉट एस फिर भी ठीक है लेकिन अगर एन प्लस एल रूल के मुताबिक देखें तो पहले फीलिंग किसकी होनी है जी सिक्स पी से पहले फाइव डी फाइव डी के बाद उससे पहले जो होनी है वो फोर एफ की होनी है। अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टी करें बोरॉन की फैमिली की तो बोरॉन का जो सबसे पहला जो बोरॉन फैमिली का मेंबर है इट इज इट्स सेल्फ अ बोरॉन ये नॉन मेटेलिक नेचर है यहाँ पे कुछ अहम बातें जो हमने स्टडी करनी है वो ये है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर कोई चीज़ यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी की बातें भी आपको जल्दी जल्दी बता दूँ एस पी डी एफ पहले भी पढ़ा चुका हूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल एस उससे कम स्टेबल पी उससे कम स्टेबल डी उससे कम स्टेबल एफ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी सबसे कम जिसकी एनर्जी सबसे कम वो न्यूक्लियस के सबसे पास अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके पास सबसे ज़्यादा पास एस होगा फिर पी होगा फिर डी होगा फिर एफ होगा जहन में रखिएगा कोई सा भी हो वन एस है टू एस है थ्री एस है फोर एस है फाइव एस है वन एस अगर आप कंपैरिजन ही देखना चाहते हैं आप कहते हैं कि जी आपके पास एक फोर एस है एक फोर पी है एक फोर डी है एक फोर एफ है ये सारे चौथे शैल से ताल्लुक़ रखते हैं ज्यादा न्यूक्लियस के पास कौन है ज़्यादा अट्रैक्शन रखने वाला कौन है जो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है फोर एस उसके बाद फोर पी उसके बाद फोर डी उसके बाद फोर एफ जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वो न्यूक्लियस के उतना पास जो न्यूक्लियस के जितना पास उसकी एनर्जी उतनी कम तो सबसे पास कौन है एस ऑर्बिटल फिर पी फिर डी फिर एफ एस के इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होता है उससे कम मुश्किल पी के इलेक्ट्रॉन उससे आसान डी के इलेक्ट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन निकालना एफ के आसान तो बोरॉन पहली फैमिली का मेंबर बोरॉन फैमिली का मेंबर भी बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बहुत आसान टू एस टू टू पी वन दो ही शेल अब क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है कि सिर्फ इसके पास दो शेल हैं इट इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस तो इनको निकालना मुश्किल है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी जिसकी आयोनाइेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो वो आमतौर पर अपने इलेक्ट्रॉन कम लूज करवाता है फिर आयोनाइेशन एनर्जी बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम की यकदम आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है यह अपने इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाल देता है क्यों क्योंकि तीसरा शेल शुरू हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए शेल्स बढ़ जाने की वजह से साइज बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान द मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप गेलियम की तरफ मूव करते हैं यह मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा ट्रेंड बताया सबसे ज्यादा एनर्जी किसके आयोनाइेशन एनर्जी बोरॉन की इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए यकदम कम किस्में हो जाती है एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी फिर बढ़ती है गेलियम में ये बात बताने लगा हूँ आपको ये देखिए इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है ऑर्गॉन ऑर्गान के बाद फोर एस फोर एस के बाद फोर पी इसको अगर मैं तरतीब में लिखूं तो लिखूंगा थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी वन गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ क्यों गई देखें ये आप समझें ये न्यूक्लियस है ये पहला शेल ये दूसरा शेल ये तीसरा शेल ये चौथा शेल ये सपोज करें पहला दूसरा है तीसरे के ये थ्री डी ये चौथे के फोर एस हैं ये फोर पी हैं जहन में रखनी है बस बातें थ्री डी जो है ना ये न्यूक्लियस से कम प्यार करने वाला है एस कंपेयर टू एस एंड पी और इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से अवे रहेगा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो न्यूक्लियस के जितना पास होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है जो चीज़ जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी न्यूक्लियस लविंग है और जितनी न्यूक्लियस लविंग है उसकी शील्डिंग उतनी अच्छी है शील्डिंग का मतलब वो क्या करेगी अगर यहाँ पे थ्री डी पड़ा है थ्री डी रिकावट बन रहा है इन फोर एस अलेक्ट्रॉनों के लिए लेकिन उतनी अच्छी रिकावट नहीं अगर आप कहें कि फोर एस अलेक्ट्रॉनों को शील्ड कौन कर रहा है थ्री डी शील्ड का मतलब उनकी रिकावट कौन बन रहा है अट्रैक्शन के लिए जो रुकावट बन रहा है वो है थ्री डी थ्री डी जो रुकावट बनता है ना इसकी रुकावट बड़ी ही मामूली सी है ये उतनी रिकावट पैदा नहीं कर सकता जितनी कि एस सबसे ज्यादा जो शील्डिंग प्रोवाइड करता है वो एस सबसे अच्छी शील्डिंग शील्डिंग का मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम करवाने वाला जब दरमियान में कहीं एस आ जाए तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसका है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए अंदर वाले एस का फिर अंदर वाले पी का फिर अंदर वाले डी का डी और एफ का जो है ये वीकर सब से वीकेस्ट शील्डिंग इफ़ेक्ट डी और एफ का है फोर एस को शील्ड कौन कर रहा है डी इसका मतलब डी का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है ये फोर एस के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं निकलस से अगर इससे पहले आता ना थ्री एस आ जाता इससे पहले आपने अरेंजमेंट जहन में रखनी है ये जो अरेंजमेंट है ये जहन में रखनी है फोर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है थ्री डी तो डी की कैसी है शील्डिंग कमजोर अगर डी की शील्डिंग कमजोर है तो ये बाहर वाले फोर को कौन खेन सकता है न्यूक्लियस और अगर ये न्यूक्लियस खेन सकता है तो इस फोर के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है और अगर फोर को निकालना मुश्किल है तो क्या होगा ज्यादा इनर्जी देना पड़ेगी तो गेलियम में क्या हुआ इस फोर की शील्डिंग करने वाला थ्री बहुत वीकर है जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है और देआर फोर वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गैलियम के बाद इंडियम इंडियम में दोबारा कम होती है इंडियम में कम होने के बजाय जहाँ पे फोर डी आया फोर डी के साथ फाइव पी भी है इसका मतलब एक शेल और बढ़ गया गैलियम तक तो चार शेल थे इंडियम में एक और बढ़ गया जी देख लें और अगर शेल बढ़ जाने की वजह से क्या होता है जो मर्जी भी हो जाए जब शेल बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमेशा वीक होती चली जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे अगर फोर पी में और फोर एस में बैरूनी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फाइव पी और फाइव एस तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी इंडियम में शेल बढ़ने की वजह से दोबारा कम हो जाएगी फिर थेलियम में फिर बढ़ गई अब ये कन्फ्यूजन जहाँ पे अब आप इसकी दोबारा तरतीब देखें फोर एफ़ फोरटीन फाइव डी टेन सिक्स एस टू सिक्स पी वन अब इन्हें फिर देखें शैल तो बढ़ गए सिक्स पी सिक्स एस लेकिन इसको शील्ड कौन कर रहा है फाइव डी फाइव डी को शील्ड कौन कर रहा है फोर एफ़ और इन दोनों की शील्डिंग कैसी है बहुत वीक इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं एस के इलेक्ट्रॉन दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस क्योंकि शील्डिंग बहुत वीक है डी से भी ज़्यादा वीक शील्डिंग किसकी है एफ़ की जिसकी वजह से इसके ट्रेंड को अगर आप देखें सब पहले जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री फिर आहिस्ता 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 वो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्रॉप आके होती है प्लस वन तक जब आप थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है प्लस वन क्या मतलब पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्यों क्योंकि पी की शील्डिंग करने वाला एस है एस की शील्डिंग बहुत अच्छी है इसका मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पी से कम कौन करवाएगा एस तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है पी का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि उसकी शील्डिंग कौन कर रहा है एस लेकिन एस को निकालना मुश्किल है क्यों क्योंकि उनकी शील्डिंग करने वाले अच्छे नहीं हैं ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है क्योंकि इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तीनों भी निकल आते हैं ये दो भी निकल आएंगे लेकिन ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी डेयर फॉर दिस इनरेगुलर ट्रेंड इज यूजली ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटॉल्स और जो फिर रिमूव नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते ये वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन इन्हें क्या कहते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनको शील्ड करने वाले अच्छे नहीं है और ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट ट्वीट हम देखते हैं जी एलुमिनियम के बारे में बता दिया एल्यूमिनियम का करेक्टर मेटैलिक है क्यों क्योंकि इसमें तीन शेल इंट्रोड्यूस हो गए इसका साइज बढ़ गया और साइज बढ़ने के साथ साथ थ्री पी और थ्री एस इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ने की वजह से थ्री डी इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं इसमें बट दिस ट्रेंड इज नॉट सो रेगुलर मैंने वजह बता दी ये ट्रेंड इतना रेगुलर नहीं है ये डायग्राम में देखें ट्रेंड जो है वो शफल करता है डिफ्रेंशिएटेड है वजह क्या है हेयर रेगुलर बिहेवियर की इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटॉल फिर आगे आर्गनाइजेशन एनर्जी की मैंने आपको सारी बातें बता दी बोरॉन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम और थेलियम से रिलेटेड नेक्स्ट वीट हम ऑकरेंस ऑफ बोरॉन देखते हैं अहम भी है आसान भी है ये अबंडेंट नहीं है नेचर में ट्रेसिस में पाया जाता है बोरॉन स्मॉल अमाउंट रिक्वायर है प्लांट ग्रोथ के लिए ट्रेस एलिमेंट है नेचर में यूजुअली कंबाइन हालत में मिलता है ऑक्सो ऑक्सीबोरेट हालत में आगे हमने पढ़ने हैं ये साल्ट ऑफ पोर्ली बोरिक एसिड की हालत में भी मिलता है हमने बोरिक एसिड पढ़ने हैं ऑर्थोबोरिक एसिड टिट्राबोरिक एसिड पायरोबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड हमने सारे बोरिक एसिड पढ़ने हैं उनको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे फिर इसके बाद गेलियम इंडियम और जो थेलियम है ये रेलिटिवली रेयर हैं कायन में कम पाए जाते हैं और ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलते हैं जब बाकी मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है जब उनके मिनरल से उनके ओर से मेटल को निकालते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाई प्रोडक्ट के तौर पर गैलियम इंडियम और थेलियम की हमें मिल जाया करती है अगर मिनरल्स ऑफ ऑफन देखें तो जो सबसे जो अहम है इसे बॉरेक्स कहते हैं इज़ कॉल्ड एज टिंकल वैसे जो बॉरेक्स का बुनियादी फार्मूला है वह एन ए टू बी फोर ओ सेवन जब लफज टिंकल आएगा ये डेकाइड्रेटेड है डेका हाइड्रेटेड का मतलब कि के, के साथ दस वाटर के है。और है, ये हमारे मॉलिक्यूलिकोरिक एसिड मच मोर इंपॉर्टेंट एस थ्री बी ओ थ्री आर इट इज ऑल्सो रिटर्न एज बी ओ एच बाई थ्री सो इट्स ऑल अबाउट द बोरऑन फैमिली इनशाला नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं इनके कंपाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉरैक्स को बनाने के तरीके इन शाला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टडी करते हैं अल्लाफ़